अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने मात्रक के बारे में जाना था। उसके बाद विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा। विमीय सूत्र की क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। आज हम लोग समझेंगे कि किसी भी संख्या, किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाता है और उस लिखने की प्रक्रिया में जो संख्या मिलती है उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं, इसकी भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि मैं आपको यदि बोलता हूँ कि 250 बराबर 250.0 होता है और बराबर 200.00 होता है, तो यदि संख्या का परिमाण के देखे तो सभी तीनों संख्याओं का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दशमलव के बाद जीरो डालने से इसमें क्या भिन्नता आ जाती है। तो ये तीनों राशियां भले ही परिमाण के दृष्टि से समान हैं, लेकिन भौतिक के दृष्टिकोण से ये तीनों राशियां अलग-अलग हैं। ऐसा होता है कि जब हम किसी राशि को मापते हैं तो उसका जो मान होता है वो माप कर निकाला जाता है। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं और 2 मीटर कपड़ा यदि आप खरीदते हैं तो वह स्केल से माप करके और तब वो आपको 2 मीटर का कपड़ा देता है। और हम यह देखते हैं कि मापने के क्रम में कोई भी व्यक्ति शुद्ध 2 मीटर नहीं देता, कुछ न कुछ कम या बेश हो जाती है। तो किसी भी राशि है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो उसको किसी स्केल के द्वारा उसको हम लोग मापते हैं। अब यह मापने की जो प्रक्रिया है उस पे शुद्धता निर्धारित होती है। जैसे कि आप बाजार में पहले जाते थे तो तराजू से सब्जियां खरीदी जाती थी, जो द्रव्यमान था वो तराजू से नापा जाता था। धीरे धीरे तराजू में बहुत सारी अशुद्धियां होने लग गई, जो तराजू से नापते थे वह उसमें बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट कर लेता था। तो फिर डिजिटल तराजू आया। डिजिटल तराजू में क्या होता है कि उसमें दशमलव के बाद भी वह पॉइंट दिखाता है और लोगों को विश्वास होता है कि जो डिजिटल तराजू है वह बिल्कुल सही है। तो जो हाथ का जो तराजू था उससे डिजिटल तराजू को हम लोग ज्यादा शुद्ध मानते हैं। इस प्रकार से यदि हमको देखा जाए तो मापने की प्रक्रिया पर शुद्धता निर्धारित होती है। उसी तरह से दीवाल घड़ी है, तो दीवाल घड़ी वह 1 सेकेंड तक को माप सकता है, लेकिन डिजिटल वॉच यदि स्टॉप वॉच लेते हैं तो वह 0.01 सेकेंड तक को माप सकता है। तो जो डिजिटल वॉच है वो ज्यादा शुद्ध होता है और जो दीवाल घड़ी है वो थोड़ा सा डिजिटल वॉच के अपेक्षा में कम शुद्ध होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं तो किसी भी राशि को जो मापने की प्रक्रिया है उसके आधार पर ही उसकी शुद्धता निर्धारित होती है। इनफैक्ट जो हम लोग मात्रक लिए थे तो मात्रक का जो हम लोग चुनाव किया था वो इस तरह से किया था ताकि उस किसी भी वस्तु के मेजरमेंट में हमको आसानी हो। जैसे पहले हम लोग 1 बित्ता से 2 बित्ता इस तरह से करते थे, यदि व्यक्ति अलग है तो उसका बित्ता अलग है, तो इसका मतलब उसका जो मान है अलग होता था। तो हम लोग मीटर एक स्टैंडर्ड मात्रक का लिए जिससे कि हर जगह वो उतना ही होता था। तो इस तरह से हम लोग देते हैं कि जो मात्रक हम लोग चूज करते हैं वो भी शुद्धता को निर्धारित करती है। अब एक मोटा मोटा यदि देखा जाए तो हम लोग लंबाई को फीता या स्केल से मापते हैं, द्रव्यमान को तराजू हो गया या डिजिटल तराजू से मापते हैं, समय के लिए दीवाल घड़ी हो गई, कलाई घड़ी हो गई, डिजिटल वॉच हो गया, विद्युत धारा के लिए एमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ज्योति तीव्रता के लिए हम लोग दीप्तिमापी से मेजरमेंट करते हैं, तापमान तो घर में सब लोग मेजरमेंट करते हैं, सबके घर में थर्मामीटर होता है, और उसी तरह से अनुपातिक पदार्थ की मात्रा होती है और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजरमेंट करते हैं, जिसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर भी है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समय का जैसे मापन करते हैं, तो हमारी जो दीवाल घड़ी है वह 1 सेकेंड से कम माप नहीं कर सकती है। तो जैसे यदि आप बोलते हो कि अभी हमारी घड़ी 15 सेकेंड बता रही है, तो क्या वो वास्तव में 15 सेकेंड बता रही होती है? हो सकता है कि जो घड़ी की जो सबसे छोटी सुई है वह 15 सेकेंड पे ना होकर के उस समय 15.0001 सेकेंड पे हो,
या हो सकता है कि वो 14.999 सेकेंड पे हो, लेकिन चूंकि हमारी जो दीवार घड़ी है उसमें कहीं भी 15.0001 नहीं लिखा है या 14.9991 नहीं लिखा है, तो हम उसको क्या मेजर कर लेते हैं, उसको 15 सेकेंड मेजर कर लेते हैं। तो जब हम 15 सेकेंड मेजर कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो वास्तव में 15 सेकेंड नहीं है, वास्तव में वो 15.0001 हो सकता है, 15.00001 हो सकता है, तो वास्तव में वो कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो 5 हमारा अंत में लिया है, 15 का जो 5 है वो शुद्ध राशि नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ संशय है, वो 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, वो 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो इस तरह से 15 सेकेंड जो हम लोग मेजर करते हैं वो 14 सेकेंड से 16 सेकेंड के बीच में हो सकता है, वो 12 सेकेंड नहीं हो सकता, वो 17 सेकेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम हम लोग 1 सेकेंड तो शुद्ध रूप से मेजर कर ले रहे हैं। तो जब वो 16 को क्रॉस करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब 16 सेकेंड हो गया है। तो 16 सेकेंड की बात जब करेंगे तो वो 15 से लेकर के 17 सेकेंड के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वो 1 सेकेंड का जो है ना वो कहीं ना कहीं एरर रह जाता है। इसलिए इसको यदि हम लोग बोलेंगे कि 15.2 सेकेंड है तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 15.2 सेकेंड ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि 15 में ही संशय है, तो 15.2 में तो और भी ज्यादा संशय होगा, तो संशय को और 0.2 लिख करके हम 15 को शुद्ध बना दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग 15.2 सेकेंड या 15.0 सेकेंड यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग डिजिटल वॉच की बात करते हैं, डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वह करीब 0.26 तक मेजर कर रहा है, मतलब ये 0.01 सेकेंड तक को भी मेजर कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 15.15 सेकेंड लिख सकते हैं, 16.16 सेकेंड लिख सकते हैं। अब ये जो मेजरमेंट करता है इसमें 6 में कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धि होगी, तो अब इसको हम लोग फर्दर 15.6878 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यह मिनिमम 15.01 सेकेंड तक ही मेजर कर सकता है। तो उससे ज़्यादा लिखने का मतलब है कि हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, 7 में ही ऑलरेडी संशय था, 8 लिख करके हम 7 को फिक्स कर दे रहे हैं, तो ऐसा गलत होगा। तो इस तरह से करके जब जो मेजरमेंट है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या लिख सकते हैं यह तय करता है कि वह जो इंस्ट्रूमेंट है वह मिनिमम कितना तक सही सही मेजर कर सकता है, उसके आधार पर ही हम लोग ये तय करते हैं। इसलिए सार्थक अंक में कहा गया है कि भौतिक में किसी भी राशि को लिखने में प्रयुक्त अंकों की संख्या उस मान की संभावित अशुद्धि के अनुसार ही लिखते हैं। जैसे अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसमें 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कम के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि 12.0 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब 0.170 मीटर तक हम शुद्ध नाप सकते हैं, उससे नीचे जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल शुद्ध है। अब जैसे एक स्केल का माप लेते हैं कि जैसे स्कूल में हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का स्केल होता था, वो फर्दर उसमें 10 पार्ट होते थे 1 mm का, तो हम लोग तो ये मेजर कर लेते थे कि यह 5.7 mm है, लेकिन 7 और 8 mm के बीच में कहीं पे हमारा जो ये वस्तु है वो पड़ा होता है, तो हम लोग फिर दिमाग में कहीं ना कहीं मेजर करते हैं कि जो 1 mm है उसको 10 पार्ट में बांट करके उसको 5.75, 5.76, 5.78 इस तरह से करके लिखते हैं। लेकिन उसको फर्दर हम लोग 7.85 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार एज्यूम कर चुके हैं, फिर एज्यूम करके फिर एज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब है कि उससे पहले वाली राशि को हम लोग शुद्ध मान रहे हैं। जब पहले वाली राशि में शुद्धता नहीं है तो उसके बाद कुछ और लिखना पुनर्निरर्थक होगा। तो यही बात यहाँ पे आएगी कि हमारे पास ये है 5.87 तक हमने मेजर किया, ऑलमोस्ट की 5.87 है। इसमें 7 जो था वो क्या था कि वो एक अनुमान से हम लोगों ने लिखा था, अनुमान में हम लोगों ने एमएम को 10 पार्ट में बांट करके उसमें से थोड़ा सा देखा था कि किस साइड में ज़्यादा है, तो 7 को हमने मेजर किया था। अब मेरा ये कहना है कि क्या 7 के बाद भी हम और कुछ मेजर कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, 5.87 तक ही लिख सकते हैं। अगर 5.875 लिखेंगे तो मुश्किल होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम 5.87 लिख रहे हैं तो अल्पमतमांक कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, इसको लीस्ट काउंट करते हैं, 0.1 है क्योंकि 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो इसको देखने 5.87 को देखने से ही हमको लग जाता है कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन जब 5.875 सेंटीमीटर करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, जो कि गलत है।
हमारा लिस्ट काउंट ऑलरेडी इसमें दिख रहा है कि 1 mm है, सबसे मिनिमम जो हम सुदूर से मेजर कर सकते हैं वो 1 mm तक ही कर सकते हैं, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब हम लोग एक ये बात देखते हैं कि हमने कोई चीज मेजरमेंट किया जिससे हमको 10.42 सेंटीमीटर मिला। तो जो 10.42 सेंटीमीटर मिला या किस चीज से मिला, जब हमने किसी राशि को, लंबाई को स्केल से मेजरमेंट किया, वह स्केल में हमारा मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट था, इस वजह से हमको 10.42 सेंटीमीटर मिला। तो जो 10.42 सेंटीमीटर मिला है, इसका मतलब है कि इसमें 1 भी इम्पोर्टेंट है, 0 भी इम्पोर्टेंट है, 4 भी इम्पोर्टेंट है, 2 भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 1042 ये चारों जो अंक है सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। अब क्या हम 10.42 सेंटीमीटर जो लिखा है तो उसमें हमारा जो सार्थक अंक है 1042 है। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें, मतलब 100 से डिवाइड कर दे, तो यह हमें 0.1042 मीटर मिलेगा, फिर हमें सार्थक अंक खुद नहीं मिलते हैं 1042। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में बदले तो यह 0.00010042 मिला, लेकिन यहाँ पर सार्थक अंक क्या होगा, 1042 होगा। ये जो 3 जीरो पहले आ रहा है ये सार्थक नहीं है। सार्थक क्यों नहीं है, तो ये केवल मापने से नहीं आया था। ये कहाँ से आया था, तो ये हमने जो यूनिट चेंज किया था, हमने जो मात्रक चेंज किया था, उसकी वजह से ये आया है। इसीलिए ये जो 3 जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सार्थक नहीं है। इसमें भी सार्थक क्या हो गया, 1042 ही सार्थक संख्या होगी। तो इसलिए क्या बोला गया कि सार्थक अंकों में सबसे दाहिनी ओर का जो अंक होगा, जैसे 10.42 है तो दाहिनी ओर का क्या है, 2 है, तो वो क्या है कि इसमें थोड़ा संशय है कि वो सही है कि गलत है, वो 2.5 हो सकता है कि 4.1 समथिंग था या 4.2 समथिंग था। इसलिए ये जो 2 है इसमें कहीं ना कहीं संशय है, इसको हम लोग सबसे कम सार्थक या लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। और जैसे जैसे हम इसको बाई तरफ जाते हैं तो ये जो सार्थकता है वो बढ़ती जाती है, और ये 1 है वह सबसे ज्यादा सार्थक अंक माना गया है। तो इस 10.42 सेंटीमीटर में हम देखते हैं कि 2 सबसे कम सार्थक है और 1 सबसे अधिक सार्थक है। 10.42 सेंटीमीटर में 2 सबसे कम सार्थक है और 1 सबसे अधिक सार्थक है। अब यहाँ पर देखिए कि 10.42 सेंटीमीटर मापकर मिला था, यहाँ फीता 0.01 मीटर माप सकती है, इसलिए 1042 सार्थक अंक है। इसलिए 10.42 मीटर को यदि हम लोग 10.420 मीटर मिलीमीटर में लिखे, तो मिलीमीटर में लिखने पर हमें 1 जीरो इसमें आ गया है। तो अब ये जो जीरो है यह जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था कि केवल मात्रक चेंज करने के लिए यहाँ पर जीरो डाला था। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्केल होता जो 0.001 मीटर तक मेजर कर सकता था, उस कंडीशन में यह जो जीरो था वह माप के द्वारा आता और यह जीरो भी सार्थक हो जाता। तो यदि आप एक मान लीजिए कि आपको जो मापन पद्धति वह नहीं बताया, लिस्ट काउंट जो मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट आपको नहीं पता है, उस पद्धति उस स्थिति में यदि आपको बोल दिया जाए कि 10.420 मीटर में कितने सार्थक हैं, तो अब आपको यह मापन पद्धति नहीं पता है। अगर आपको यह पता होगा कि केवल 0.01 मीटर तक माप सकते हैं, तब हमारा केवल जो सार्थक अंक होता वो 10.42 तक होता। और लेकिन यदि हमको यह पता होता कि यह 0.001 मीटर तक मेजर कर सकता है, उस कंडीशन में यह 10.420 होता। तो इसलिए इसमें क्या हो गया, सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई, सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 भी हो गई, इसमें 5 भी हो गई। फर्दर यदि अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अगर हमको जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया जीरो की वजह से, इस कन्फ्यूजन को यदि दूर करना होगा तो हम इसको घात पद्धति में लिखेंगे। किस पद्धति में लिखेंगे, घात पद्धति में। घात पद्धति में क्या लिखते हैं, घात पद्धति में हम लोग इसको 1.0420, मतलब ये समथिंग है जो कि 1 से 9 के बीच में हो सकता है, तो 1.0420 × 10⁴ लिखा। तो जब ये इस रूप में है तो इसमें कितनी संख्या, 5 है, तो यह 5ों का 5 जो है सार्थक अंक होगा। यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, यहाँ पर 5ों ही सार्थक है। यदि 4 होता तो इसको हम 1.04 × 10⁴ ही लिखते। अब क्या है कि कई बार होता है कि हम जब जैसे किसी भी संख्या को भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो वह कई अंक, जैसे किसी 3 सार्थक अंक में हम 2 सार्थक अंक से भाग देते हैं, तब भी हमारे पास 5 अंकों वाली संख्या मिल जाती है।
अंकों वाली संख्या मिल जाती है। लेकिन सार्थक का नियम हमने देखा कि मापन विधि से हमें एक निश्चित सार्थक संख्या ही होगी, तो उस निश्चित सार्थक संख्या करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कुछ एक्स्ट्रा डिजिट जो अंक आ गए हैं उसको हटाना होगा। तो उसको हटाने का जो एक विधि है, उसको हटाने से इसे किसी अंतिम संख्या को हटाते तो इसे पहला वाला संख्या या तो उतना ही रहता है या उसमें एक जोड़ के बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, राउंडिंग बोलते हैं या पूर्णांकन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1.714 है, इसमें चार सार्थक अंक है, तो इसको हमको तीन सार्थक अंक तक करना है, तब वो ये चार को हटाना पड़ेगा। अब चार क्या है, चार को हटाएंगे तो यहाँ पे वन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 1.71 तीन सार्थक अंक हो जाएगा। लेकिन ये 1.776 है, इसमें सिक्स को हटाना है तो यह सेवन का एट हो जाता है, 1.78 होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या है जिसको हम पी एक्स वाई जेड या सिंपली पी वाई जेड के रूप में लिखे, जैसे 10,510 है, तो 510 में जो 5 1 0 हुआ तो 0 z के बराबर हो गया, 1 y के बराबर हो गया, 5 x के बराबर हो गया, बाकी जो पीछे की जितनी संख्या सब p के बराबर हो गई। तो अगर इसमें जो हमारा z है, जो इकाई की जो संख्या है, वो मान लो कि 1 2 3 4 है, तो इस कंडीशन में इस y में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जो हमारे पास संख्या है z सिंपल हटा करके पी एक्स वाई हम लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 4 5 6 1 है और उनको 1 हटाना है, तो 1 हटा करके 0 इसलिए डाल देंगे क्योंकि पूर्णांक है, वैल्यू बदल जाएगा, दशमलव में रहता तो सीधे सीधे हट जाता, तो ये 4 5 6 0 हो गया। और यदि z इक्वल टू 5 है तब हमको यह देखना होगा कि जो y है वह क्या है, y अगर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है तब उस कंडीशन में y को हमको y प्लस 1 करना पड़ेगा और राउंडिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे 4.75 है, अब ये 5 को हटाना है तो इसे पिछले वाली संख्या को हम देखेंगे, पिछले वाले अंक को देखेंगे, पिछले वाला अंक 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, तो ये 7 का 8 हो जाएगा, तो हमारे पास 4.4580 हो गया। उसी तरह से यदि z इक्वल टू 5 है, सॉरी यहाँ पर 6 2 4 6 8 होना चाहिए, गलत यहाँ पर, प्लीज करेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये y का y रह जाएगा, जैसे 4 5 6 5 है तो ये 4 5 6 0 ही रहेगा। अब उसका 6 7 8 9 यदि आता है तो उस कंडीशन में यह जो y है y प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 5 6 6 को 4 5 7 0 लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास दो तीन संख्याएं दी गई है, उसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे जो पहला नियम होता है, जैसे 125.236 है, 25.23 है, 7.81, तो देखो दशमलव सारे एक साथ कर लिया गया और दशमलव के बाद हमने देखना शुरू किया। दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस में है, दशमलव के बाद सबसे कम अंक 2 3 में है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस सारे जो अंक हैं सबको राउंडिंग करके दशमलव के बाद मात्र 2 रहने देंगे, जैसे 125.24 हो गया, 2.23 सेम रहेगा, 7.85 रहेगा। अब इनको आप जोड़िएगा तो दशमलव के बाद मात्र 2 ही अंक रहेंगे। और उसी तरह से यदि घटाव करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 236 है तो 6 हटा देंगे, 23 करके फिर इसको माइनस कर देंगे। तो जोड़ घटाव में राउंडिंग पहले कर दी जाती है, जोड़ घटाव में राउंडिंग पहले कर जाती है, इस तरह से राउंडिंग की जाती है कि दशमलव के बाद मिनिमम अंक होना चाहिए, सभी अंक है उसमें जो मिनिमम अंक है उतना ही अंक सभी अंक करके फिर इसको जोड़ या घटाव करेंगे। गुणे या भाग में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे 12.075 तो संख्या हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, तो हमको जो आंसर मिलेगा उसमें हमको मिनिमम सार्थक अंक ही रखना पड़ेगा। जैसे इसमें मिनिमम 2 है तो इसमें भी हमको 2 रखना होगा, 2 रखने के लिए हमको क्या करना, कम से कम 4 2 8 5 तो ऐसे ही हट गया, ये 1 हट गया तो ये 1.7 हो जाएगा। इस गुना कर जब कभी किसी संख्या गुना करते हैं तो उसमें भी पहले गुना कर लेंगे और मिनिमम जो हमारा सार्थक अंक वाली संख्या है उतना ही सार्थक अंक हम अपने फाइनल आंसर में रखेंगे। थैंक यू।